महतारी राजीम दाई ये सिद्ध कर दी इसकी सरलता के साथ किस तरह से भगवान ला प्राप्त किए जा सकते है। आज रायगढ़ क्षेत्र जहां के जनता मोला चार बार सांसद बनाईस, वहां कोसम नारा में जो साहू समाज के बाबा बैठी ने 25-26 साल से खुले आसमान के नीचे बिना खाए पिए पूज्य बाबा सत्यनारायण जी, आप सब मन बहुत जन वहां गए हो उमन के दर्शन करे हो, मैं बराबर वहां जात हूं। आज हमारे डिप्टी सीएम कहत रही ने कि आज ये देश के प्रधानमंत्री साहू समाज के आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज पूरे दुनिया में उमन के कारण भारत के डंका बाजत है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इला ध्येय वाक्य मानते हुए भारत के जनता के सेवा करत हैं। ये सब हमारे लिए सबके लिए बड़े गौरव के बात है। ये राजीव कुंभ हमर जो सरकार चलत रही से भारतीय जनता पार्टी के राजीव कुंभ के माध्यम से ये जगह के पूरे देश ही नहीं दुनिया में पहचान देहे के काम हमर सरकार करे रही। पिछले समय में जरूर उमें कुछ कमी हुई से, लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से यहां के वैभव लौटी, राजीव कुंभ के फिर से ख्याति होही और दुनिया भर के साधु संत फिर से यहां पर आही और मुख्यमंत्री के नाते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव के दौरान जो छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करी है मोदी की गारंटी में, वो आदाला पूरा करे पर हमारे सरकार अपन कदम बढ़ा चुकी से। आज छत्तीसगढ़ के सरकार ला मुश्किल से 24-25 दिन हुई से, लेकिन आप मुला बताते हुए मुला गौरव होते कि 13 दिसंबर के हमर सरकार शपथ लईस और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में निर्माण के निर्णय हम ले हन और अनुपूरक बजट में ओकर प्रावधान भी करे हन, राज्यांश के प्रावधान भी करे हन। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले 5 साल जो 18 लाख गरीब मन के मकान नहीं बने, वो सब के मकान अब बनने वाला है। 2 साल के बोनस हमर 15 साल के सरकार में हम नहीं दे पाए रहे। पिछले कांग्रेस पार्टी के भी यहां ताम्रध्वज साहू जी बैठी है, उमन के जन घोषणा पत्र में भी रही कि वो 2 साल के बोनस राशि ला देबो, लेकिन 5 साल में उमन नहीं दे पाई। और अभी हमारे मोदी की गारंटी में हमन फिर वादा करें कि 2 साल के बोनस राशि ला हमन देबो। और आप मला बताते हुए गौरव होते कि 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन होते, जो उनका पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते, वो दिन एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कार्यक्रम करके 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3700 करोड़ रुपया से ज्यादा सेकंड के अंदर में, कुछ सेकंड के अंदर में उनके खाता में ट्रांसफर कर दे हैं। आज 25 दिन के अंदर में ही जो पिछले सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से पीएससी के परीक्षा में, आज वो परीक्षा में जो गड़बड़ी हो इस पीएससी में ओकर जांच बार हमन वाला सीबीआई ला सौंपत हन। तो ये सब हमन काम करत हन। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के आदेश होगी से और वो खरीदी होत भी है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान दे के हमर वादा है। अभी किसान मन के खाता में एमएसपी जात है, लेकिन बहुत जल्दी हमन जो डिफरेंस के राशि है वाला एक मुश्त किसान मन के देह के काम करबो।
काबर के हमला विरासत के रूप में छत्तीसगढ़ में खाली खजाना मिली से तो कुछ तो व्यवस्था करना पड़ी ना, तो व्यवस्था करके एक मुफ्त मन जो अंतर के राशि है किसान मन के खाता में देबो। और मोदी की गाड़ी में जो भी हमार पार्टी के छत्तीसगढ़ के जनता से वादा है वो सब वादा ला पूरा करबो। चाहे हमार विवाहित महिला मन के खाता में महतारी बंधन योजना में साल में 12,000 देह के काम हो या 500 रुपया में गरीब मल्ला गैस के सिलेंडर देह के काम हो या जो भूमिहीन मजदूर है मल्ला साल में 10,000 रुपया देह के काम हो, इस सारा वादा जो मोदी की गारंटी में हमार पार्टी करी से आने वाला 5 साल में वाला पूरा करबो। ये अवसर में हमार साहू समाज के प्रदेश के अध्यक्ष टहल साहू जी के द्वारा पूरे समाज के तरफ से मांग पत्र आई से जिमें 5 एकड़ जमीन के भी जिक्र है और राजिम कॉरिडोर के भी बात है और जेकर समर्थन हमार डिप्टी सीएम भी करीने हैं, तो मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के नाते इला देखवाऊ और जो भी साहू समाज के हित में हो ही ओला छत्तीसगढ़ के सरकार पूरा करे में कभी भी पीछे नहीं होए, मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन आश्वस्त करत हूँ। और ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए अंत में फिर से भक्तिन महतारी राजिम दाई के जयंती के आप मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए उमन के आशीर्वाद भगवान राजीव लोचन के आशीर्वाद हमार छत्तीसगढ़ आ मिले, हमार छत्तीसगढ़ में शांति हो, समृद्धि हो, सुखमय हो, यही विश्वास करते हुए मैं अपन बात लांत करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।